हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज जो है हम एक मोल बेस बनाएंगे। जो आज का जो मोल बेस होगा, हम पूरी स्टैंडर्ड से बनाने वाले हैं। मैं डीएमई में बनाऊंगा, आपको मोल बेस मैनुअली सिखाऊंगा बनाना। तो इस वीडियो में जो मैं डीएमई बनाऊंगा, मान लो मेरे पास मोल बेस नहीं होता है, तो मैं कैसे पता लगेगा कि मेरे पास कैसे डीएमई स्टैंडर्ड बनाना है, क्या एक्सप्रेशन डालना होती है, कैसे करेंगे, तो वो चीज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मेरे पास एक डीएमई का पीडीएफ है, तो आपको वहाँ पे वेबसाइट में जाके भी मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल लूंगा। तो ये ऐसे मेरा मोल्ड बेस है, तो ये मैं बना रहा हूँ फिलहाल के लिए। 2 प्लेट मिल मोल्ड है, ठीक है। तो इसको हम पूरी बनाएंगे, कैसे बनाने मैं सिखाऊंगा और यहाँ पे कैसे स्टैंडर्ड करना है, एल कैसे लगना है। तो जो ये एल डब्ल्यू एस एक्स जो होगी, इसको हम डालेंगे एक्सप्रेशन से, ठीक है, जो हम फॉर्मूला लगा के बनाते हैं उससे बनाएंगे। और यहाँ पे हर एक स्टैंडर्ड आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी, मान लो मैं यहाँ पे बनाऊंगा, लच्छे मैं ये वाला बना रहा हूँ, तो इसमें हर एक स्टैंडर्ड हो जाएगा, आपको वहां पे मिल जाएगा। लाइक लीडर पिन कैसे लेना है ना, ट्यूबलेट डोल कैसे लोगे, तो हर एक स्टैंडर्ड हम उसमें बनाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे H7G6 क्या होती है, E7 क्या होती है, K6 क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, स्मॉल M क्या होती है, स्मॉल G क्या होती है, तो हर एक चीज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में बनाऊंगा, तो लाइक कुछ अपना इस तरीके से मोल्ड होंगे फाइनल में। दोस्तों, मैं इसमें अलग से आपको क्या बताऊंगा इस वीडियो में, थोड़ा सा इसे थोड़ा क्रिटिकली बनाएंगे, कैसे हम एक्सप्रेशन डालते हैं वो सिखाऊंगा। बेसिकली मैं 2 प्लेट में आपको एक समझा देता हूँ हम कैसे इसको करने वाला है। जैसे मेरा यहाँ पे कैविटी प्लेट है, तो यहाँ पे कैविटी प्लेट में जैसे मैंने यहाँ पे ब्लॉक साइज ले लिया हूँ ये, तो यहाँ पे मैं कोई कहीं पे भी मैंने डायमेंशन नहीं किया इसको, मैं राइट क्लिक करके आप शो करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं डब्ल्यू डाला हूँ, एल डालो, बेसिकली होते क्या है, यहाँ पे होती है आपका एक्सप्रेशन डालना पड़ता है। एक्सप्रेशन क्या होती है, अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे डायमेंशन किया हूँ, है ना, तो मैं यहाँ पे एक चीज आपको, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला डालते हैं, तो फॉर्मूला में ये सारा चीजें कैसे यूज करके बनाना होती है, कैसे आप बना पाओगे, तो इस वीडियो में बेसिकली वही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, मैं डीएमए स्टैंडर्ड यूज करूंगा आज, तो डीएमए से आपको कैसे हम एक्सप्रेशन से कोई भी मोल्ड बेस बनाते हैं वो देखेंगे। तो मैं यहाँ पे डीएमए यूज कर रहा हूँ, डीएमए में कौन सी स्टैंडर्ड यूज करूंगा मैं यहाँ पे, वो यूज करूंगा 2040 का, ठीक है। तो 2040 में हम जो है ये ऑटोमेटिक आएंगे, ये बेस आएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे तो 2 प्लेट मोल्ड है, तो हम जो है 2 प्लेट मोल्ड यूज करेंगे इसमें, ठीक है। और यहाँ पे 3 प्लेट का भी ऑप्शन आती है, तो फिलहाल हम जो है 2 प्लेट मोल्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड ओपन करूंगा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा जो स्टैंडर्ड आएंगे कुछ इस तरीके से आएंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो चीजें आएंगे, बट हम इस केस में क्या करूंगा, अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ या मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास मोल बेस डाटा नहीं है, इन केस मुझे अपना बेस बनवानी है डीएमई स्टैंडर्ड से, मैं आपको पीडीएफ दूंगा इसमें, तो उस पीडीएफ से हम जो है डीएमई बनाएंगे, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो हम कंपेयर भी करेंगे कि हाँ जो हम बना रहे हैं दोनों में आपस में मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, ऑब्वियसली होंगे ही, वो तो हम स्टैंडर्ड से बनाएंगे सारा चीजें। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू दबाना शॉर्टकट करके जो है मैं डॉटम को हाइड कर दिया हूँ, ठीक है। तो ये है मोल बेस, कितने का है, डीएमई का 2040 की मोल बेस है, ठीक है। तो ये मोल बेस जो है हम बनाएंगे। अब इसकी पीडीएफ रहा मेरा ये, ठीक है। तो ये 2500 सॉरी हम ये वाली मोल बेस बनाएंगे 2000 वाली, तो इसमें सारा स्टैंडर्ड है, तो आपको इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। तो हम इसमें पूरा जो ये मोल बेस देख रहे हो आप, तो हम इसको पुराने बनाएंगे, कौन सी बनाएंगे, हम ये वाली बनाएंगे 2040 वाली बनाएंगे। और 2040 के लिए आपको सारा चीजें आपको 2040 में आना पड़ेगा, अभी 18 समय है, ठीक है। मैं ये आपको दे दूंगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप बेसिकली अपने को ये वाली बनानी है, ठीक है। तो ये बनानी है, तो यहाँ पे सबसे पहले बनाने से पहले जो 2 प्लेट मोल्ड है, आपको देख के पता लग गया ये जो हो गई N02 जो हो गई, ये मेरा कौन सी प्लेट, टॉप प्लेट हो गई, है ना। जो मेरा ए है, देखो N10A N10B, N10A मतलब होगी आपकी केवीटी प्लेट, N10B मतलब होगी कोर प्लेट, मतलब ए होगी केवीटी प्लेट, बी होगी कोर प्लेट। हमेशा ये ध्यान रखना होती है जब भी स्टैंडर्ड बनाते हो, डीएमई बनाते हो, डीएमएस बनाते हो, जो भी बनाते हो, इसमें हमेशा होती है N20 जो दे रखा है, ये आपकी क्या होगी, बैक प्लेट होगी, कोर बैक प्लेट होगी। N30 आपका कौन सी होगी, स्पेशल ब्लॉक होगी। और जो आपकी N40 है, जो N40 दे रखा हो हम, इजेक्टर रिटेनर प्लेट होगी। और जो N50 है, इजेक्टर प्लेट होगी। और सबसे जो लास्ट वाला होती है, हम इसको बोलेंगे N01 होगी मेरा बॉटम प्लेट, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर रखना है। तो उसमें आपको यहाँ पे दे रखा है कौन सी प्लेट की कितना साइज है, बट हम जो है ये साइज से नहीं बनाएंगे, हम इससे किससे बनाएंगे, हम सारा जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन से बनाएंगे। एक्सप्रेशन बोले तो जैसे मैं भी कोई भी NX में, जैसे मेरा ये है, तो यहाँ पे मैं स्केच ले रहा हूँ, तो स्केच लेते हो तो आप क्या करते हो कोई भी चीज में, वैसे मैं रेंडमली दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे डायमेंशन करता हूँ, कोई भी कैसे भी डायमेंशन कर लो, मैं अभी फिलहाल के लिए आपको एक दिखा रहा हूँ कॉन्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे डायमेंशन कर रहा हूँ, लेट्स से
सेकंड कॉइन आप कहीं पे भी ले सकते हो, है ना। तो हम इस केस में क्या करेंगे, जो मैं इस केस लिया हूं, उस केस में मेरे को यहाँ पे दो पॉइंट के बीच में मुझे डायमेंशन करना होती है। जस्ट सेकंड में आपको दूसरी स्केच लेके दिखाना पड़ेगा, इसमें भी वैसे हो जाता है, तो मैं आपको एक न्यू टैब लेके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसकी कॉन्सेप्ट समझो, फिर हम करते हैं, क्योंकि तो बिना कॉन्सेप्ट के आप चीजें बना नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये कोई भी एक रेक्टेंगल, लेट से मैं कोई भी एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ रेंडमली, कहीं भी ले रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे मेरा यहाँ पे आ रहा है, मेरा टोटल लेंथ कितना है, 3236 है। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा के कोई डिजाइन बनाऊँ, तो यहाँ पे मुझे फॉर्मूला डालना होती है। तो आज का केस हम जो है फॉर्मूला लगा के बनाएंगे, ठीक है। अब इसको बनाने से क्या होगा, कहीं पे भी आप किसी भी कंपनी के लिए काम करोगे तो सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये अपना क्या है, स्टैंडर्ड है जिसको आपको बनाना है। तो ये आपका सबसे ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट प्लेट हो गई है। अभी देखो यहाँ पे जो प्लेट है, हमने यहाँ पे 1, 2, 3 का ऑप्शन मिलती है। जैसे मैं यहाँ पे मोल बेस में जाके आपको दिखाता हूँ, तो इसमें आपको क्या मिलेंगे, जैसे देखो आप, मैं 2 यूज कर रहा हूँ, बट बेसिकली मेरा जो यहाँ पे डायग्राम है वो 1 यूज कर रहा है, राइट। जो ये एज है, एज से बाहर हो रखा है। तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, इसमें क्लिक करके इधर क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे 2 यूज कर रहा हूँ, 2 के जगह अगर मैं इसको 1 कर दूंगा, अप्लाई कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें मेरा चेंज हो जाएगी जो अभी मोल बेस में है आपका, ठीक है। फिर मैं कंट्रोल डब्ल्यू करके जितना भी मेरा डॉटम है इसको मैं हाइड कर दूंगा, फाइन। तो ये वाला होगी। अब उसमें भी आपको एक और 2-3 ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि कितना स्क्रू यूज करना है, कितना एक यूज करना है, यहाँ पे कोई ऐसा कोई डिफाइन नहीं है। जैसे D1 क्या है, D2 क्या है, वो मैं डिटेल में बताऊंगा आपको बाद में। फिलहाल के लिए हम इसको, जैसे D1 क्या होती है, जो हम गाइड पिलर, गाइड बूज वगैरह यूज करते हैं ना, ठीक है। तो गाइड जो मेरा पिलर है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, ये मेरा जो है ना, इसका अलग है, D2 ये होगी, D3 आपकी जो ये है M12 का हम यूज कर रहे हैं उसका होगा। तो यहाँ पे आपको देख के पता लग जाएगा कि मेरा D1 कितना है, जो मेरा गाइड पिलर है उसकी अंदर वाले का है, D2 इसकी क्या आउटर वाले का है, ठीक है। कॉलर आपको कितना रखना है वो मैं आपको स्टैंडर्ड बताऊंगा, और D3 क्या होगी, कितने का बोल्ट यूज कर रहे हो, ठीक है ना। तो वो सीधे सीधे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे 20 डायमीटर का है, कितना है D1 कितना है, D1 20 का है, D2 कितना है आपका 28 का है। अच्छा D1 D2 में जाऊंगा मैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं ये 2040 ओपन कर लूंगा। 2040 ओपन करोगे, देखो यहाँ पे D1 कितना है, ये वाली है 20 है, D2 कितना है 28, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया थोड़ी देर पहले। तो अपने को यही बनानी है। तो एक बार इसको बनाने से पहले अभी वीडियो को पॉज कर लेना, पहले ये वाली स्केच बना लो एक बार रेंडमली, वीडियो को पॉज कर लो, फिर अपना ये वाली बना लो। ध्यान ही रखना है, जो अब प्रोसेसिंग मत कराओ, बट नंबर ए जो नंबर वगैरह लिखा हो, जो अल्फाबेट लिखा हो उसको लिख लेना। उसके बाद जो है आपको ये वाली लिख लेना है, ये डायग्राम पहले बना लो, पॉज कर लो वीडियो को, इसको बना लो। उसके बाद जो है आप जो भी स्टैंडर्ड बनाओगे, लेट्स से मैं इसको बना रहा हूँ, तो इसको पॉज कर लो वीडियो को, तो इसमें लिखो सीरीज नंबर कितना है 2040, फिर WL जो भी लेंथ है यहाँ पे रेंडमली लिखते जाओ आप। फिर उसके बाद जो वैल्यू आ रहा है इसमें, जैसे W कितना आ जाएगा 196, L कितना आ जाएगा 396, तो आपको इसको लिख लो पहले, उसके बाद स्टार्ट कर। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। जो इसके नेक्स्ट वीडियो होगा ऑलरेडी मैं शेड्यूल में लगा दिया रखा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके आप डायरेक्ट देख सकते हो। तो दूसरा जो मेरा वीडियो होगा सारा एक्सप्रेशन के ऊपर होगा, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, कैसे आपको वैल्यू डालना है, कौन सी प्लेट में कैसे आप काम करोगे, तो सारा चीजें डिटेल में होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, नीचे कमेंट कर लो। अगर लोग नया नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इसी तरीके से वीडियो डालता रहता हूँ। अगर रेस्पॉन्स अच्छा मिलेंगे और वीडियो बनाऊंगा। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।